तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम शेप्स के बारे में समझा था, तो और हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास फिर ऑप्शन आता है कस्टम शेप्स का। जैसे ही कस्टम शेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे शेप्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम जो भी शेप देखेंगे उस पर क्लिक करके, ये देखिए डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम उसके अंदर फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसमें कोई भी कलर फिलअप कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट कर लें इस शेप को, ठीक है, प्रॉपरली यहाँ से, और उसके बाद इस पर क्लिक करके आप दोबारा से शेप का टूल ले लें। तो यहाँ से इसके स्ट्रोक को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से नो स्ट्रोक कर दें तो स्ट्रोक ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ से अगर कुछ और किस्म के स्ट्रोक्स देने हैं तो वो यहाँ से अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब उसके बाद अगर आपने ये शेप बना लिया तो इस तरह से और भी शेप्स जो हैं आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम शेप्स में जाके आपको वो शेप्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये देखिए बर्ड्स के शेप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे नीचे और फ्लावर्स के शेप्स हैं, ठीक है, ये मिल जाएंगे। तो जो भी शेप आपने क्रिएट करना है क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको रख देना है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर इसमें जाइए, फिर यहाँ से ग्रेडियंट्स पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे अगर इसमें कोई ग्रेडियंट अच्छा से देना चाहें तो इस तरह का ग्रेडियंट है, इस तरह का ग्रेडियंट है। एक बात और नोट कर लें, अगर आप एक शेप बना के दूसरा शेप बना रहे हैं तो वो उसी लेयर पे बन जाता है, जिससे प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों को मैनेज करना अलग अलग मसला है। तो इसका सही तरीका ये है कि आप जो शेप बना रहे हैं उससे पहले आप ये करें कि एक लेयर लेयर ऐड कर लें, और यहाँ से फिर आप जो भी शेप बना रहे हैं दूसरा उस तरह से बनाएं ताकि उनको बाद में मैनेज करना आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से क्लिक करके आप उसके ऊपर जो भी कलर्स इफेक्ट्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं वो इजीली लगा सकते हैं, और उसको अलग से आप मैनेज कर सकते हैं ताकि वो आपको अलग से बिल्कुल इफेक्ट अपना प्रॉपरली दिखाए। अच्छा, दूसरी बात, ये आप शेप का ऑप्शन लेंगे तो मेक श्योर कर लें शेप बनाने से पहले कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन पिक्सल नहीं, पाथ नहीं, बल्कि शेप्स ही होना चाहिए। अगर आपका पाथ ही पिक्सल होगा तो प्रॉपरली शेप नहीं बनेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसके बाद कस्टम शेप्स में ही अगर आप यहाँ क्लिक करके नीचे आएंगे साइड में, तो यहाँ पे आप इनको टेक्स्ट ओनली बाय नेम स्मॉल आइकन्स में, लार्ज आइकन्स में, और स्मॉल लिस्ट में, और लार्ज लिस्ट आइकन्स में देख सकते हैं। और यहाँ से इम्पोर्ट शेप्स करके मजीद शेप्स भी आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ नोट कर लें .csh फाइल जो होती है वो इसमें इम्पोर्ट की जा सकती है। इम्पोर्ट कहाँ से होंगे, उसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना होगा। कुछ पेड प्रमोशंस में मिलते हैं, कुछ फ्री में मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, google.com पे चले गए। तो दूसरा कलर देख लूं, एक तो ये कलर है, फिर व्हाइट में कहो तो सर अगर। तो यहाँ से हम आ गए और हमने यहाँ पे लिखा फ्री डाउनलोड शेप्स फॉर एडोब फोटोशॉप। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इंटरनेट थोड़ा सा आपका फास्ट होना चाहिए तो ये उस हिसाब से इसको सर्च करें। इंटरनेट पे मुख्तलिफ लिंक्स आएंगे तो फिर उस पर ये सर्च करेगा। तो यहाँ पर आ गया फोटोशॉप इमेजेस रिसोर्सेस फ्री पिक है। तो ये जो आ रहा है माई फोटोशॉप ब्रशेज डॉट कॉम, यहाँ पर भी हमें कुछ फ्री फोटोशॉप कस्टम शेप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस वेबसाइट पे, देखें अच्छा जब तक ये खुल रहा है। तो अब शेप से आप क्या काम ले सकते हैं, शेप से आप कोई भी इलिस्ट्रेशन बना सकते हैं, कोई भी आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं उस पर कोई शेप लगाना है वो इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। शेप को आप इजीली मूव कर सकते हैं मूव टूल से, उसकी लेयर पे प्रॉपरली क्लिक करके उसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके जैसे जहाँ चाहें मूव कर लें, कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करके अल्टर शिफ्ट से उसको छोटा करना चाहें छोटा कर लें, ठीक है। उसकी डुप्लीकेट करना चाहें तो कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लें उसकी लेयर को, और इस तरह से उसको अलग से करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर को कंट्रोल टी करके बड़ा करना चाहें से बड़ा कर सकते हैं। फिर शेप्स पे क्लिक करके यहाँ से आप उसके कलर शेड्स इफेक्ट्स को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर दूसरा शेप जो आपने बना रखा है उसके साथ उसको रख के उसको ऊपर रखना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये इस तरह की चीज़ें आप इजीली शेप के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और शेप्स जो होते हैं कस्टम इलिस्ट्रेशंस होती हैं जिनको आप यूज़ करके एक बेहतर रिजल्ट्स अपने इलिस्ट्रेशन में या आर्ट्स में या फोटोज में दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें खुला तो है कुछ, ये कह रहा है 20 हर्ट कस्टम शेप्स हैं इनके पास, हर्ट वेक्टर है इनके पास,
तो यहाँ पे कह रहा है ब्रशेस भी हैं, पैटर्न्स भी हैं, कस्टम शेप्स भी हैं, इमेज स्टाइल्स एंड ग्रेडियंट PSD फाइल्स भी हैं और टेक्सचर्स भी हैं। तो ये देखें, ये हार्ट के शेप्स हैं इसके पास, ये क्रिस्प ट्री के शेप्स हैं, ये बर्ड्स के शेप्स हैं। तो देखें अगर ये फ्री में हैं डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, अगर ये फ्री में हुए तो हमें मिल जाएंगे, वरना फिर ये पेड में भी हमें। तो यहाँ तो कहीं डाउनलोड का शेप नज़र ही नहीं आ रहा, ये आ रहा है डाउनलोड 29.2 KB की एक फाइल है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। इसको ओपन फोल्डर कर लेते हैं, इसको राइट बटन दबा के एक कट करके यहाँ से फोल्डर बना लेते हैं। राइट बटन दबा के स्ट्रेक्ट हेयर कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये फाइल आ गई जिसका मैंने जिक्र किया था, CSH। इंपोर्ट कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे इंपोर्ट शेप्स, इस फाइल में जाएंगे, फोल्डर में आ गए, इसमें वहां से लोड किया हमने और बंद करके खोलते हैं एक दफा। ये देखिए ये हमारे पास शेप्स आ गए, ठीक है। इस तरह से कस्टम शेप्स, इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, फिर ढूंढ लीजिएगा कस्टम शेप्स, कस्टम ब्रशेस, जो आपको बनाने में टाइम लगता है उसमें आप इजीली इसमें कर सकते हैं।